सोलन की बसाल पंचायत में पिता ने रिश्ते को तार तार कर दिया है, जहां एक 13 वर्षीय नाजुक फूल जैसी बेटी को अपने हैवानियत का शिकार बनाया है। ये बाप इतना बेरहम था कि पहले काफी समय से अपनी बेटी के साथ इस तरह का घिनौना काम करता रहा और अपनी बेटी को वह डराता और धमकाता था और सच्चाई बताने पर उसे जान से मारने की धमकी तक देता था। अपने ही घर में जब बेटी अपने को महफूज नहीं मान रही थी तो वह सच्चाई कैसे जाहिर करती, इसीलिए वह सब सहती रही। लेकिन पिछले कल उसने हौसला करते हुए ये बात अपने परिचित को बताई, जिसके बाद ये बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी और पीड़ित का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि वसाल में एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोषी पिता को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसे 5 दिनों का पुलिस रिमांड मिला है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध है और महिला की सुरक्षा को लेकर वह किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोलन पुलिस वचनबद्ध है और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या क्राइम उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन सदर में प्राप्त हुई, जिसमें एक जो बच्ची बसाल जो सोलन की रहने वाली है, कि जिसकी उम्र 13 या 14 साल के आसपास बताई जा रही है, उनके फादर से उनको सेक्सुअली असॉल्ट की कंप्लेंट प्राप्त हुई। तुरंत संज्ञान लेते हुए FIR अंडर सेक्शन 376 IPC और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट रजिस्टर की गई और लड़की का मेडिकल करा के आगामी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहाँ तक एक्यूज्ड हैं उनको 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन।